बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हल्दी के इस्तेमाल के फ़ायदे के हवाले से। हल्दी जड़ी बूटियों से हासिल किया जाने वाला एक कुदरती मसाला है जो बहुत ताकतवर, एंटीस्पेटिक और सोजिश को कम करने वाली खसूसियात रखता है। इसके इस्तेमाल से खूबसूरती में इजाफा के साथ साथ मुख्तलिफ तिब्बी फ़वाइद भी हासिल किए जाते हैं। इसके अलावा हल्दी को गोल्डन स्पाइस भी कहा जाता है। सैकड़ों सालों से हिंदुस्तानी और चीनी तहजीब में हल्दी को बतौर दवा इस्तेमाल किया जा रहा है और जदीद तिब्बी तहक़ीक़ात भी इस बात की तस्दीक करती है कि हल्दी से बहुत से तिब्बी फवाइद हासिल किए जा सकते हैं। इससे हासिल किए जाने वाले मुख्तलिफ तिब्बी फवाइद की वजह हल्दी में पाए जाने वाले ग़िज़ाई अज़ा है जो सेहत पर शानदार असरात ज़ाहिर करते हैं। इन ग़िज़ाई अज़ा में विटामिन B6, विटामिन C और बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स भी शामिल हैं। इसके साथ साथ हल्दी मैग्नीज, आयरन, पोटाशियम, डाइट्री फाइबर और ओमेगा-3 फैटी एसिड्स हासिल करने का भी बेहतरीन ज़रिया है। इसके अलावा एक चम्मच हल्दी में 24 कैलोरीज, फैट और प्रोटीन भी पाया जाता है। हल्दी के फवाइद कुछ इस तरह से हैं। हल्दी को अगर बाकदगी के साथ किसी माहिर ग़िज़ायत के मशवरे या मतवाजन मकदार में इस्तेमाल किया जाए तो इससे बहुत से तिब्बी फवाइद हासिल किए जा सकते हैं जो कि मंदरजा ज़ैल हैं। नंबर 1, एंटीऑक्सीडेंट्स का बेहतरीन ज़रिया। हल्दी में भी तरबूज की तरह बहुत से मुफीद एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो जिस्म के खलियात को नुकसान से बचाते हैं और जिस्म को तकसीदी या ऑक्सीडेटिव तनाव से भी महफूज रखते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स खलियात के अफ़ाल के लिए नागुज़ीर समझे जाते हैं क्योंकि इनकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियों के ख़तरात में कमी आती है। नंबर 2, हल्दी और दूध। मुख्तलिफ तिब्बी फवाइद हासिल करने के लिए हल्दी को दूध में शामिल करके इस्तेमाल किया जाता है और इसे बरसग़ीर में सदियों से बतौर सेहतमंद मशरूब इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इस मशरूब को अब मगरबी ममालिक में भी मकबूलियत हासिल हो रही है। हल्दी मिला दूध इस्तेमाल करने से दिमाग पर मुस्बित असरात ज़ाहिर होते हैं और मिजाज में भी खुशगवार रहता है। इसके साथ साथ हल्दी मिला दूध इस्तेमाल करने से डिप्रेशन की अलामात में भी कमी आ सकती है। इसके अलावा हल्दी और दूध का मिक्सचर बनाकर अगर चेहरे पर लगाया जाए तो चेहरे के दाग धब्बे ख़त्म करने में भी मदद मिलती है। हल्दी और दूध एक कुदरती क्लीनर्स का काम करता है, इसलिए अगर इस मिक्सचर को खुशक और फटे हुए होंठों पर लगाया जाए तो होंठ नरम व मुलायम और गुलाबी हो जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।